अब मैं पतातू वैली से करीबन 38 किलोमीटर दूर विरसा जू जा रहा हूँ। वहाँ पर ढेर सारे जानवरों से मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, मैं विरसा जू आ चुका हूँ, तो अंदर चलते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को पूरी तरह से। आपको यहाँ पे पार्किंग के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे, आपके राइट में कार पार्किंग है और लेफ्ट में बाइक पार्किंग है। मैंने भी बाइक को अपने पार्किंग जोन में लगा दिया है। Hey guys, मैं आपका होस्ट चंदू सुनकुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ वीडियो में। अभी मैं कंटिन्यू यात्रा कर रहा हूँ और यहाँ पे चिड़ियाघर पे आया हूँ, यहाँ पे रांची में। तो ये रहा जियोलॉजिकल पार्क। बाइक का पार्क करने का 20 रुपये लगेगा, फोर व्हीलर का करीबन 40 रुपये लगेगा, और अगर आप टिकट लेते हैं तो 40 रुपये पर व्यक्ति लगेगा। अभी हम चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर प्रवेश करते हैं अंदर और आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें और ढेर सारा कमेंट्स करें जब अच्छा लगे तो। टिकट का प्राइस आपको 40 रुपये पर व्यक्ति पड़ेगा और आप अपने सुविधा के लिए ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं घर बैठे। मेन इंट्रेंस के पास आपकी चेकिंग होगी टिकट की, उसके बाद आप आराम से प्रवेश कर सकते हैं। मैंने भी टिकट को चेक कराया और मुझे आराम से एंट्री मिल गई। प्रवेश करते ही आपकी जर्नी राइट साइड से शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ने के बाद आपको बर्ड सेक्शन जाना होगा और वहाँ पे ढेर सारे आपको रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलने वाले हैं। इस जगह आपको रंग बिरंगे पक्षी, छोटे से बड़े पक्षी आपको सारे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बर्ड लवर हैं तो ये सेक्शन आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैं भी इस जगह काफ़ी देर तक पक्षियों के हाव-भाव को देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बटेर है, ये बटेर। सच में छोटे छोटे पक्षी बहुत प्यारे होते हैं, मन तो करता रहता है जी भर इसे भर देखता ही रहूं। अब मैं जैसे जैसे सेक्शन के आगे जा रहा हूं, तो उस तरह से छोटे से पक्षी से बड़े बड़े धीरे धीरे शुरुआत हो रहे हैं कि आगे और बड़े बड़े पक्षी मिलते जा रहे हैं। आप जिस भी केव के नज़दीक जाएंगे, वहाँ पे उस बर्ड या उस एनिमल के बारे में डिटेल से बोर्ड पे लिखा रहेगा। आप उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, किस हैबिटेट में और क्या नाम है उनका और किस तरह से वो खाना वाना खाते हैं, किस टाइप का खाना वो खाते हैं, वो सब कुछ। अगर आप बर्ड लवर हैं तो आपको ये सेक्शन आपको बहुत पसंद आने वाला है, बर्ड वाला, जो कि काफ़ी ढेर सारा बर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रंग बिरंगा बर्ड, जो कि बर्ड लवर को बहुत पसंद आने वाला है। वास्तविक में ये दृश्य बहुत अनमोल है, अनोखा है। मैं देख पा रहा हूँ अभी, इधर बहुत अच्छा लग रहा है। ये ईमू है, आप देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है खासकर। इसका साइज़ आप देखिए, करीबन हम लोग के साइज़ कितना हुआ, इस साइज़ का ये ईमू है। इसका अंडा भी बहुत बड़ा साइज का होता है, मैंने देखा है। और ये रहा आपका ईमू, बहुत सही हुई देखने में, और इसकी आवाज़ अलग से गुर्राहट टाइप की होती है। अब बारी है भगवान विष्णु के वाहन से मिलने का, तो आपने समझ चुका होगा किसके बात कर रहा हूँ मैं, गरुड़। तो चलिए, ये है गरुड़। अब ये सब साइज गरुड़ का, फिर कितना बड़ा साइज है, देख रहे हैं। जो भी क्या खाना देंगे क्या, ऐसे लॉक कर रहे हैं, देखिए है ना, ये अच्छा नहीं, एक और है, अब बारी है इंडियन नेशनल एनिमल से मिलने का, यानी कि टाइगर। अभी इंडियन टाइगर उधर सोया हुआ है, उसको जगाएंगे नहीं, अभी
साथ साथ देख नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर है, तो सोया हुआ भी घास से नहीं दिख पा रहा है और यहाँ जंप करके इधर नहीं आ पाए, उसके लिए ये बारा बनाया गया है और सीसीटीवी कैमरा भी रखा गया निगरानी के लिए कि कोई भी हादसा ना हो। ये स्पीसीज लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीसीज में से एक है। इसका जो स्किन टोन है वो फ्लास में काफ़ी काम आता है, जंगल में से शिकार करने में भी काफ़ी मदद मिलता है इस चीज़ से। और जहाँ तक मुझे पता है हर बाघ की अलग धारी होती है जिससे वो पहचाना जाता है। और ये सामने रहा जो कि वास्तविक में नेचर में बहुत दुर्लभ होता है, वाइट टाइगर। इतने नज़दीक से तो मैंने कभी नहीं देखा था, सच में रोंगटे खड़े हो गए। और ये रहा तेंदुआ। इन सब शिकारी जीव को जितनी आसानी से हम जू में देख पा रहे हैं, बिल्कुल मुश्किल होता है उसे हम जंगल में देख पाना। कोशिश कीजिए बारे के नज़दीक नहीं जाने का जू में। ये जो लाइन लिखा हुआ है बहुत शानदार लिखा हुआ है। अब टाइम है जंगल के राजा से मिलने का और अब हमारा भी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पहुँच चुका है। सच में कितना शानदार लग रहा है ना रौबदार भड़कीले अंदाज का ये लायन, इसलिए तो इसे जंगल का राजा कहते हैं। और मेरा लक बहुत अच्छा था जो इतने करीब से हम एक शेर को देख पाए, वरना शेर 24 घंटे में लगभग 4 घंटा ही एक्टिव हो रहता है। बस इच्छा एक ही कर रहा है कि इस बारे में ही रुका रहूं और कंटिन्यू मैं ऐसे ही देखता रहूं। दिन भर चलते चलते थक सा गया था पर इसे देख कर ना फिर से एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। अरे देख रहा देख रहा देख रहा फासला है और ये बॉर्डर है, ठीक ठाक चल रहा है तो जबरदस्ती जब वो रियल जंगल में मिलेगा तो अच्छे अच्छों की बात लगा सकता है वो। तो क्या नज़ारा है, सामने बाघ शेर है, जंगल का राजा सामने बैठा हुआ है और अपनी अकर में बिल्कुल देख पा रहे हैं। अरे यार गुर्रा दो यार, सुनने के लिए आए हैं। हम लोग का नहीं विस्पुरा कर रहा यार ये। इस जगह तो मुझे समय का अंदाजा तक नहीं हुआ और मैं काफी देर रुक गया। रुकना तो मैं वहां और चाहता था पर टाइम का पाबंदी था, 6 बजे तक ही जू खुला रहता था तो पूरा जू घूमना था तो फिर से आगे बढ़ना पड़ा। इस जू में बस 4 ही लायन है, 2 मेल 2 फीमेल, अभी के इतने मेल फीमेल को एक साथ रखा गया देखिए इसका गजब का व्यू। जंगल का भी आप फीलिंग लेते हैं, देखिए कितना अच्छा जंगल लग रहा है, सच में अद्भुत नज़ारा यहाँ का। अब दूर वहाँ पे देख पा रहे हैं शॉर्ट पेयर है वहाँ पे, अब सर वो घर जाने का इंतजार कर रहा है। हाँ दो गो है, बहुत छोटा साइज का है ना।
ये बड़ा है ये वाला मगरमच्छ, वास्तविक में बड़ा है। इधर बड़ा है ये जो ब्लैक बक आप देख रहे हैं, इंडियन एंटीलोप है। आपको याद हो तो एक केस चला था सलमान खान पे 1998 पे, जो कि राजस्थान में वो हम साथ साथ हैं फिल्म शूटिंग पे थे, जो ब्लैक डियर पे मर्डर का चार्ज लगा था उन पे, वो यही ब्लैक डियर है। वो ये सामने जो आप देख पा रहे हैं जानवर को, ये नीलगाय है। देखिए हाथी जंगल से आ चुका है बच्चे के साथ। OMG ये सीन बहुत शानदार है। ये देखिए ओ भाई साहब, देखिए आप हाथी को। देखिए आवाज देने पे वो कैसे आ गया। ये सीन देखने में बहुत मजा आया। ये आप बॉन्ड देख सकते हैं मां और बेटे का। सच में ये सीन लंबे समय तक हमें याद रहने वाला है। अरे बच्चा खा लिया एक। ए छोटू हाथी, उसकी माँ है। अरे वाह, ओह इसका फोटो शानदार आ रहा है यार, गजब। ओह आवाज फिर से बनवाइए तो एक बार। ओ आशीर्वाद दिया अभी। आशीर्वाद दिलवाइए। ओह वाह, यहाँ आना सफल रहा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग इस नज़ारे को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हाय, ये देखो बच्चा, ये बच्चा है, ये बच्चा स्टंट देख रहे हैं। कुछ भी मत दीजिए लोग को भाई, एक बार दिखा दे पलटानिया देंगे। मत दीजिए, कुछ मत दीजिए भाई। अबे बेटा सुन, अभी हम लोग इस जगह पे हैं लंगूर, जहाँ पे फोटो बना हुआ है। पूरा हम लोगों ने इस तरह से राउंड लिया, लायन होते हुए, इधर जैकल हाइना होते हुए, सांभर होते हुए, स्नेक होते हुए, मगर होते हुए, सब होते हुए यहाँ पे आए हैं। अब बस थोड़ा देर बचा हुआ है, फिर हम लोग बाहर निकल जाएंगे। सच कहता हूँ दोस्तों, बहुत मज़ा आया इस जगह पे मुझे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। हम कुछ बातें आपको बता देते हैं कि जू का टाइम जो है वो 9 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, और ये सोमवार को बंद रहता है। तो उसी हिसाब से आप प्लान कीजिएगा और यहाँ आइएगा घूमने के लिए, बहुत मज़ा आएगा इस जगह पे दोस्तों। और अगर भूख लग जाए आपको तो टिकट काउंटर के बगल में ही रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके आप कुछ खा सकते हैं। इसी तरह का एक और वीडियो मैंने बनाया है पटना जू के नाम से, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ का भी जू काफ़ी शानदार है और काफ़ी बढ़िया है, तो आप वहाँ का भी वीडियो आराम से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। Hey guys, आज बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। अंदर में बहुत सारा सब कुछ देखा हम लोगों ने, शेर देखा, बाघ देखा, चीता देखा, तेंदुआ देखा, चीता यहाँ का नहीं है, तेंदुआ देखा मैंने, और बंदर देखा, बहुत सारे जानवर देखा जो वीडियो में देखा आपने। अब हम लोग बाहर आ चुके जू के। यहाँ पे कुछ सिस्टम भी है घूमने का, आप ई रिक्शा से घूम सकते हैं जो 240 रुपये पड़ेगा। साइकिल भी यहाँ पे है, साइकिल के साथ मैंने दाम नहीं पूछ पाया। और यहाँ पे आपको व्हील चेयर भी है, आप आराम से उस पर ट्रैवल कर सकते हैं जो निःशुल्क है। और उसके अलावा अब हम अपने जहाँ पे रुके हैं आज रांची में, वहाँ जा रहे हैं। फिर कल का देखते हैं प्लान क्या होता है। तब तक हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका बस एक रिक्वेस्ट है, फिर से हम दोहराना चाहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ढेर सारा कमेंट से भर दीजिए। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे पता है, बट
कमेंट नहीं करते आप लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए और दोस्तों को भी दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।